आप सोच रहे होंगे कि मैं आपके साथ आज कोई प्रैंक करने जा रहा हूँ। जनाब मैं भी एक मशरकी लड़का हूँ, घरेलू लड़का हूँ, मेरे पर भी कोई जिम्मेदारियां घर की। आप समझ रहे होंगे कि हम स्टार लोग हैं, पता नहीं हमारे घरों में ऊपर से कोई मनोसलवे उतरते हैं और हम वो खा पी लेते हैं, हमें भी घर की ग्रोसरी करनी पड़ती है। आज मैं पाकिस्तान के सबसे बड़े ऑनलाइन डिलीवरी प्लेटफॉर्म फूड पांडा के पांडा मार्ट से कुछ चीजें जो है वो घर के लिए ऑर्डर करूंगा। ये मैंने एप्लीकेशन खोली और ये देखिए, ये पांडा मार्ट है। इस पांडा मार्ट पर आपको दुनिया जहां की हर चीज जो है वो घर बैठे मिल सकती है, जिसमें आप देख सकते हैं फल, सब्जियां, दवाइयां, स्नैक्स, इसके साथ साथ घर की कोई डेयरी प्रोडक्ट्स चाहिए, मतलब घर में इस्तेमाल होने वाली हर चीज आपको इस वर्चुअल मार्केट से जो है वो मिलती है। तो मैंने कुछ ऑर्डर करना था, मुझे कुछ कोल्ड ड्रिंक्स चाहिए, दोस्त आते हैं घर में, तो एक मैंने ऑर्डर ये कर दिया। बच्चों ने घर आना, उनके लिए चॉकलेट्स और आइसक्रीम चाहिए थी, तो ये मैंने ऑर्डर कर दिए हैं कुछ। तो अब ये ऑर्डर प्लेस हो गए हैं मेरे, सारी चीजें आपके भाई ने ऑर्डर कर दी हैं। तो मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि जो पांडा मार्ट है ये होता किस तरह का है, इनका जो वेयर हाउस है इसमें कौन कौन सी चीजें पड़ी हुई हैं जो कि एक घंटे के अंदर अंदर आपके घर में मिल जाती हैं। तो आइए मेरे साथ, आपको पांडा मार्ट का विजिट भी करवाते हैं और दिखाते हैं कि मैं वहां से क्या क्या लूंगा। तो मैं ये अपने पॉपकॉर्न के साथ जा रहा हूँ फूड पांडा के पांडा मार्ट पर, जहाँ से हम आपको विजिट भी करवाएंगे कि पांडा मार्ट में होता क्या क्या है और तमाम तर तफसीलात शेयर करेंगे। भाईजान अंदर जाना है? नहीं सर जी, और ये पांडा मार्ट है ना? जी सर। तो अंदर जाने दो। नहीं सर जी। और यार, और यार इनको रोके जाने, इधर आपके पास आए हैं। अब वो गार्ड का बेसिकली, आप क्या करते हैं यहाँ पे? मैं ऑपरेशंस मैनेजर हूँ। अच्छा, ये क्या है एक्चुअली? सारा फूड पांडा का मार्ट है और हम इधर से ग्रोसरी आइटम्स और बहुत सारी चीजें हम कस्टमर के डोर स्टेप पर डिलीवर करते हैं। ये क्यू कॉमर्स के अंदर आता है। जनाब आपको याद होगा जब मैं घर था तो मैंने ये फूड पांडा की जब एप्लीकेशन खोली थी वो थी ये पांडा मार्ट। मैंने जो जो ऑर्डर किए थे उसमें कुछ कोल्ड ड्रिंक्स थी, आइसक्रीम थी और बच्चों के लिए कुछ चॉकलेट्स लेनी थी। ये स्टोर फूड पांडा का अपना है जिसको इन्होंने पांडा मार्ट का नाम दिया है, जहाँ पर आपको सब्जियां भी मिल रही हैं, फल भी मिल रहे हैं, अद्वियात भी मिल रही हैं, इसके साथ साथ चॉकलेट, ग्रोसरी। यहीं से डिलीवरी बॉय इन चीजों को उठाकर एक घंटे में आपके घरों की दहलीज पर पहुंचाते हैं। भाईजान क्या क्या होता है इसमें और ये कॉन्सेप्ट है क्या एक्चुअली? बेसिकली हम लोग डोरस्टेप डिलीवरी दे रहे हैं और इसके अंदर सारी कैटेगरी, लाइक अगर हम लोग इसके अंदर फूड, नॉन फूड, अल्ट्रा फ्रेश, फ्रेश सब चीजें हैं इसके अंदर। हमारे पास आपको जो मार्केट में फ्रेश आइटम्स मिलती हैं उससे कहीं ज्यादा फ्रेश हमारे पास से मिलती हैं। जो कस्टमर मांगते हैं क्वालिटी, हम वो क्वालिटी डोरस्टेप देते हैं। हमारे पास अल्ट्रा फ्रेश जो है वो किस्सा पैक हुआ हुआ फ्रीजर्स के चिलर्स के अंदर रखा हुआ है। ये चिलर्स के अंदर बिल्कुल प्री पैक और क्वालिटी जो स्टैंडर्ड्स हैं उसके मुताबिक रखा हुआ है। और यही सेम चीज जब ऑर्डर आता है तो हम लोग आपको एज इट इज डिलीवर कर रहे होते हैं। आमतौर पर तो डिलीवरी बॉय मेरे घर की दहलीज पर वो चीजें ले आता है, तो अब वो मुझे चीजें मिल जाएंगी? नहीं, आपको इधर से नहीं मिलेंगी, आपको जो डिलीवरी बॉय है वो आपके घर पे ही डिलीवर करेगा। ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि हम लोग किसी कस्टमर ने ऑर्डर किया तो राइडर ने मार्केट की कोई गली मोहल्ले की दुकान से प्रोडक्ट लेके आपको डिलीवर कर दिया, ऐसा नहीं है। हमारे पास पूरा मार्ट है, पूरा आपने स्टोर देखा है, स्टोर बना हुआ है। हम लोग यहाँ पर ये आम ग्राहकों को भी आप सेल करते हैं, कोई भी आकर फिजिकली आपसे खरीद सकता है? नहीं, फिजिकली इधर से आके नहीं है, आप ऑर्डर करेंगे और वो हमारा राइडर आपको घर पे डिलीवर करेगा। कितने हैं आपके पांडा मार्ट इस टाइम पे? हम लोग पूरे पाकिस्तान में कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, हैदराबाद, रावलपिंडी, इसमें हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं। हमारे 44 मार्ट हैं इस टाइम पे। कितने प्रोडक्ट्स हैं, आइटम्स कितने हैं आपके पास? हम लोग 6000 से 6500 आइटम हर मार्ट के अंदर कैरी कर रहे होते हैं। इतनी बड़ी ये आइटम्स होती हैं, इसकी सप्लाई चेन को किस तरीके से मेक श्योर करते हैं? सप्लाई चेन देखें, हमारा हर सिटी का एक डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर होता है, हम सप्लायर से बल्क में परचेज करते हैं, वो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर में आती है। डिस्ट्रीब्यूशन से हमारा अपना एक सप्लाई चेन नेटवर्क है जिसके थ्रू हमारे हर मार्ट के ऊपर सप्लाईज आती हैं। अल्ट्रा फ्रेश का हमारा एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल है, गोश्त है, वो आता है, उसकी सॉर्टिंग ग्रेडिंग होती है। ये तो नहीं होता कि दो दो महीने आपके रेफ्रिजरेटर में चीजें पड़ी हैं और आप वही सेल आउट कर रहे हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हमारी रिप्लेनिशमेंट हर वीक में दो दफा होती है और जो अल्ट्रा फ्रेश है वो डेली बेसिस सप्लाई है।
आपको कैसे पता चलता है कि किसी भी बंदे ने जो ऑर्डर किया है वो आपको यहाँ से मिल जाएगा? आपको पता है मैंने क्या क्या ऑर्डर किया था? जी आपका ऑर्डर हमें पता है। क्या है? अभी हम ऐप के ऊपर जाएंगे, जाके देख लेंगे जो आपने ऑर्डर किया उसके अंदर वो डिटेल होगी। हमारा पिकर है वो उसके पास ऑर्डर आएगा, जो जो प्रोडक्ट्स उसको आपको आपने ऑर्डर किए वो सबको जाके पिक करेगा और उनको पैक कर देगा। डिलीवरी टाइम कितना है जब तक उसने घर में पहुँचाना होता है उस चीज को? 40 से 50 मिनट के अंदर डिलीवर कर देते हैं घर पे। मैंने क्या क्या ऑर्डर किया था आपको याद है? यासिर भाई आप, ये हमारा बिल्कुल एक सिस्टम है, इसको हम सुनमी डिवाइस कहते हैं। इस पे आपका जो ऑर्डर लैंड हुआ है उस पे आपकी बिल्कुल एक सारी लिस्ट ऑफ आइटम्स जो आपने ऑर्डर किए और उसकी क्वांटिटी वो सब इस पे आ जाएगी। क्या था आप बताएं मुझे? आपकी आइसक्रीम, आपकी पेप्सी, इसके अलावा आपकी चॉकलेट्स। जनाब मैंने यही ऑर्डर किया था और इनको सारा कुछ याद है। वाह वाह वाह, ये हमारा सिस्टम है जो सारा इंटीग्रेटेड है। तो अब इसके बाद इसकी पैकिंग हो गई? बिल्कुल, जब ये ऑर्डर इधर आ जाता है आइटम्स एसओपी के मुताबिक डिवाइड होके पैक होते हैं। ऐसे कैसे, ऐसे नहीं लेके जाएंगे। देखें ये आपके ऑर्डर लैंड होने के बाद हमने इसको पैक किया है, सही है, और ये हमारा ही डिलीवरी राइडर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आपके घर तक जो है वो डिलीवर करेगा। फूड पांडा का डिलीवरी बॉय खुद हूँ मैं, घर से लेने आया हूँ ना। देखें ऐसे हमने मार कस्टमर्स के लिए ओपन नहीं किया हुआ है, लेकिन आप चूंकि हमारे बहुत ही फेवरेट सुपरस्टार हैं तो हमने आपको मौका दिया कि आप इस मार्ट में आएं और ये सारी फैसिलिटीज देखें। लेकिन मैं आपको एक प्रोसेस बताता हूँ कि राइडर्स के लिए हम जब इसको पैक करते हैं तो हम जो है वो हमने स्पेशलाइज यहाँ पे बॉक्सेस बनाए हुए जिनको हम अपने टर्म्स में पिजन होल कहते हैं। आपका ऑर्डर आपके पड़ोसी को ना चला जाए और आपके पड़ोसी का ऑर्डर आपके पास ना आ जाए, क्योंकि आपको पता है फिर उससे मसले मसाइल हो जाते हैं। इसके ऊपर कोई नंबरिंग वगैरह करते हैं? जो ऑर्डर कोड आपको अपनी ऐप पे नजर आ रहा है वो ऑर्डर कोड बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा कस्टमर एक्सपीरियंस का एक पूरा डिपार्टमेंट है और यही ऑर्डर कोड इस पे भी मेंशन होगा। ये आप प्लास्टिक के क्यों नहीं इस्तेमाल करते हैं ये लिफाफे या शॉपर? प्लास्टिक के बैग हमने कभी भी यूज नहीं किए, इसकी रीजन ये है कि हम एक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे बिलीव करते हैं और एज अ पांडा मार्ट ऑफ फूड पांडा हमारी कोशिश होती है कि हम पोल्यूशन को कम से कम रखें। आपको पता है कि प्लास्टिक बैग्स का यूसेज पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से बस हम खाते पीते हैं और कचरा रैपर्स हम बाहर फेंक देते हैं। एज अ इनिशिएटिव फॉर ग्रीनर पाकिस्तान हम कोशिश करते हैं कि हम प्लास्टिक से इस कॉम को एक अवेयरनेस दें कि हम निजात पाएं और हम ज्यादा से ज्यादा जो है वो नॉन वुमन बैग्स का इस्तेमाल करें। और भी कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे हमारे 10% जो मार्ट्स हैं वो सोलर से पावर्ड हैं और दिन की रोशनी को हम यूटिलाइज करते हैं। जनाब पाकिस्तान ने फूड पांडा को एक ब्रांड बनाया है तो फिर ये जो पाकिस्तान को पे बैक कर रहे हैं ये इनका फर्ज भी है और इन समेत हम सबका भी फर्ज है कि हम आलूदगी को कम से कम करें। और फूड पांडा जो है जिस तरीके से अपनी डिलीवरियां दे रहा है, आमतौर पर ये डिलीवरी बॉय के अलावा किसी को नहीं देते, लेकिन इंशाल्लाह आज ये मैं लेके जाऊंगा, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में मेरा नाम आएगा। सर बहुत शुक्रिया। थैंक यू। एक मैसेज मेरा होगा यासर शामी के सारे जबरदस्त फैंस के लिए कि आपने फूड पांडा की ऐप पे जाना है, रेस्टोरेंट से साथ आप ऑर्डर करते ही करते हैं उसके साथ आपको पांडा मार्ट की एक टाइल नजर आएगी कराची, लाहौर और इस्लामाबाद पाकिस्तान के अंदर, और आप सबने उससे लाजमी एक दफा ऑर्डर करके जरूर ट्रायल करना है क्योंकि हमारी प्राइसिंग भी बहुत कॉम्पिटेटिव है और आप डिफरेंट क्रेडिट कार्ड से डिस्काउंट्स भी बहुत अच्छे हासिल कर सकते हैं। आपने इतना कुछ कह दिया मेरे प्लेटफॉर्म से, अब इसके मैं पैसे नहीं दूंगा आपको। बिल्कुल सर। थैंक यू। ओके जी, आइंदा मैंने रोके ना मतलब।